हेलो दोस्तों, ललिताज चूल्हा चौका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अनारसा की रेसिपी लेके आई हूँ। अनारसा बनाने में बहुत कठिनाई होती है, ऐसे बहुत महिलाओं का मानना होता है, लेकिन आज मैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत सरल तरीके से ये अनारसे बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। अनारसा बनाने के लिए यहाँ कोई भी पुराना चावल यूज़ करें, तो हमने ये रेशन के चावल लिए हैं। एक साल पुराना चावल आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये आधा किलो चावल लिए हैं, इसे हम धो लेंगे। हमें इसे मसल मसल के धोना है ताकि इसका जो पूरा स्टार्च है इसे हमें निकालना है। तो पहले दिन हम अच्छी तरीके से चावल को धो लेंगे और अभी हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए पानी पूरा साफ है और इसे ढक के रखेंगे। चावल को हमें दो दिन तक भिगोना है, तीसरे दिन हम इसको निकालेंगे। तो दो दिन में हमें रोज़ इसका पानी चेंज करना है सवेरे। अभी हमें चावल को ज़्यादा धोना नहीं है, हमें सिर्फ चावल का पानी चेंज करना है। ये पानी फेंक देना है और दूसरा पानी उसमें फिल करना है। तीसरे दिन हम चावल को हमेशा की तरह हल्के हाथ से धो लेंगे और इसका पानी निकाल के इसको छलनी में छान के रखेंगे। 10 मिनट के लिए रखेंगे और कोई भी सूती कपड़े पे हमें इसे इस तरह से ड्राई करना है। इसका पानी एक्स्ट्रा का है, उसे सुखा लेना है। हम सिर्फ 15 मिनट के लिए इसे इस तरह से हाथ से फैला देंगे। आप इसे तुरंत भी 15 मिनट के बाद मिक्सी में पीस सकते हैं, नहीं तो 4-5 घंटे के लिए आप इसे सूखने दें। हाथ को थोड़े गीले रखने चाहिए। इसे हमें छांव में ही सुखाना है और फिर आप मिक्सी में इसे पीस लीजिएगा। देखिए हाथ को इस तरह से ये टूट रहे हैं और थोड़े गीले लग रहे हैं। तो अभी हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। छलनी से हमें इसे छान लेना है। मिक्सी में पीसने के बाद में भी ये आटा थोड़ा दानेदार होता है, तो हमने इसे कपड़े से छान लिया है। अभी ये हमारा आटा फाइन हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये बारीक छना हुआ आटा वजन करे तो ये 400 ग्राम आटा हो गया है। ये ऊपर का जो रवा निकला है चावल का, तो इसे आप फेंके नहीं, आप इसे इडली या डोसे में यूज़ कर सकते हैं। हमारा आटा जो है वो 400 ग्राम हो गया है, तो हमने 200 ग्राम गुड़ लिया है। इस गुड़ को हमने मिक्सी में पाउडर करके लिया है। इस आटे में इसे मिक्स करेंगे, हाथ से रगड़ लेंगे पहले और बाद में एक बार इसे मिक्सी में से घुमा लेंगे। मिक्सी में से घुमाने के बाद में ये आटा इस तरह से दिख रहा है। अभी इसे एक बार हाथ से मसल लेंगे अच्छी तरह से, पूरे आटे को मिक्स कर लेंगे। कहाँ गुड़ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो ये हमने बैचेस में किया है इसलिए ये कम ज़्यादा दिख रहा है। तो अभी इसे हम हाथ से एक बार एक जैसा कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून गुड़ हमने एक्स्ट्रा और लिया है। देखिए हाथ से मिक्स करने के बाद में अभी थोड़ा सा पानी छूट रहा है गुड़ को। अभी हम इसके लड्डू बना लेंगे। इन लड्डू को हमें कोई भी स्टील के डब्बे में भर के रखना है या फिर आप कांच के जार में भी इसे भर सकते हैं और एयर टाइट करके हमें इसे ढक देना है। एक दिन हम पूरा इसका ढक्कन ऐसे ही रखेंगे बंद और दूसरे दिन इसका ढक्कन खोल के इसमें का गैस रिलीज़ करेंगे और उसके बाद में हमें रोज़ इसे ढक्कन खोल के एक बार देखना है और बंद करना है, नहीं तो इसमें फंगस लग सकता है। आप 4-5 दिन ऐसा करके बाद में इसके अनार से बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। अभी हम ये 15 दिन के बाद बना रहे हैं। देखिए बिल्कुल भी फंगस नहीं आया है और ये लड्डू इस तरह से, इसमें जो एक्स्ट्रा गुड़ है ये दिख रहा है इसमें। तो अभी हम इसको, हमें जितना चाहिए उतना लड्डू लेके इसके अनार से बनाएंगे। तो पहले तो हम थाली में इन लड्डू को निकाल लेते हैं और इनको फोड़ लेते हैं। गुड़ की मात्रा परफेक्ट है, अगर हम इसमें ज़्यादा गुड़ लेंगे तो
अनार से बनाते वक्त फ्राई करते वक्त ये पिघल सकते हैं। लड्डुओं को हमने फोड़ लिया है और अभी हम इसमें से जितना चाहे उतना बैटर ले सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें इसे इसका एक सॉफ्ट डो लगाना है। ये आटा दूध पूरा सोख लेता है तो इसे हमें मसल के चिकना करना है। और ये देखिए अभी हम इसके अनार से बना सकते हैं। पैन में हमने तेल गरम करने के लिए रखा है। इसे फ्राई करने के लिए आप पैन या चौड़े मुँह का कोई भी बर्तन यूज़ करें। इसमें से एक लोई लेंगे, चकले पे हमने प्लास्टिक की शीट लिया है और उस पे हम थोड़ी खसखस डालेंगे और इस तरह से ये जो गोली है इसे हाथ से हम बाहर की तरफ से पतला करेंगे और एक उंगली से हमें इसे बाहर से अंदर की तरफ लाना है और इसे थापना है इस तरह से। आपको जैसे चाहिए पतले या मोटे उस हिसाब से आप इसे थाप सकते हैं। अगर पतले थापेंगे तो आपके अनार से क्रिस्पी होंगे, कड़क होंगे, और अगर आपने अनार से की मीडियम साइज़ रखा तो ये बीच में से सॉफ्ट रहेंगे और ऊपर से कुरकुरे होंगे। अभी खसखस वाली जो साइड है ये ऊपर रहनी चाहिए। हम इसे तेल में इस तरह से डालेंगे। आप चाहें तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं और झारे की सहायता से हमें इसे ये तेल या घी जो भी है इसे इस तरह से छिड़कना है बीच में ताकि ये बीच में भी फ्राई हो सके अच्छे से। तो सभी तरफ से इसे हमें तेल छिड़कना है, जहाँ कच्चा लगे उस तरफ से हमें तेल इस पे डालते जाना है और इसे सुनहरा होने तक हम फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम करनी है और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे। तो ये देखिए गोल्डन कलर पे ये आ गए हैं। इसी तरह से हम दूसरा भी थाप लेते हैं। खसखस वाली साइड हमें ऊपर रखनी है और झारे से इस तरह से हमें इसे तेल छिड़कना है बीच में। अनारसा बनाते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि उसका फर्मेंटेशन अच्छा होना चाहिए। उसे भुनने के लिए, फ्राई करने के लिए हमें फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। थापने के लिए हमें इसे बहुत पतला भी नहीं थापना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे। इन सभी बातों का आप ख्याल रखें तो आपके अनारसे कभी बिगड़ेंगे नहीं। और इन अनारसों को हमें छलनी में इस तरह से खड़े करके रखना है ताकि एक्स्ट्रा का जो ऑयल है या घी है ये निकल सके। तो ये देखिए ये हमारे अनार से बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे हो गए हैं और खाने में भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। आप इसी तरह से ये अनार से बनाइए, खाइए, खिलाइए। रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकॉन भी दबाएँ और ऐसी नई नई वीडियो के साथ, नई नई रेसिपीज़ के साथ मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए